hello students in this video we are going to learn about gender gender is also included in noun but it is not a kind of noun so we are learning it apart from kinds of noun gender means uh, link, न, in this video we are also going to learn about four kinds of genders that are masculine based on males फेमिनिन बेस्ड ऑन फीमेल्स कॉमन यूज कॉमनली एंड न्यूटर दैट आर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग चार तरह के पढ़ेंगे मेस्क्यून फेमिनिन कॉमन एंड न्यूटर सो लेट्स बिगिन वॉट इज जेंडर ग्रामेटिकली जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशंस अ कॉमन जेंडर इंक्लूड्स मेस्क्युल एंड फेमिनिन कैटेगरी मेस्क्यून नाउंस आर वर्ड्स ऑफ मैन बॉयज एंड मेल एनिमल्स एंड फेमिनिन फॉर वुमेंस जेंडर क्या होता है हम लोग उसको हिंदी में लिंग कहते हैं जब हम लोग किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल वैन वी कैटेगराइज इंटू टू मेल और फीमेल दैन वी यूजेज जेंडर फॉर डिनोटिंग दैम लड़कों के लिए मेल मैस्कुलिन एंड लड़कियों के लिए फ़ीमेल सो जेंडर इज बेसिकली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल ओके

थर्ड वन कॉमन जेंडर वाट इज कॉमन जेंडर वेन आर नाउन यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स जब हम किसी भी नाउन का यूज़ करते हैं मेल और फीमेल दोनों को बताने के लिए तो वहाँ यूज़ होता है कॉमन जेंडर फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड फ्रेंड स्टूडेंट टीचर्स और ऑल दीज आर वॉट कॉमन जेंडर्स ये सब हम लोग कॉमनली मेल फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको डिनोट करने के लिए ऑल राइट नाउ द लास्ट वन न्यूट्राजेंडर वॉट इज़ न्यूट्राजेंडर वैन जेंडर्स डर डज नॉट अप्लाई मेलनेस और फीमेलनेस मीन्स जब हम लोग किसी भी नन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं वैन वी टॉक्स अबाउट नन लिविंग थिंग्स लाइक बुक pen paper school anything then we uses neuter genders they don't have any genders so we apply neuter gender so basically it is used for non-living things okay now we can take a quick revise that what is masculine it denotes male feminine it denotes female and common it denotes both male and female and neuter are used for non-living things okay तो इन सब का आप ध्यान रखिएगा एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल व्हाट इज जेंडर एंड टाइप थैंक यू सो मच